हेलो दोस्तों, फिर से एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आशा करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे और खुशहाल होंगे। यह ब्लॉग बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हो या जो रेलवे के बारे में जानना चाहते हैं कि उनकी ग्रुप डी की जो जॉब कैसा होता है, तो उसके बारे में हम आपको डिटेल बताने वाले हैं। फिलहाल आज हम रेलवे की जो नाइट पेट्रोलिंग है उसके बारे में जानकारी देने वाले कि उनके क्या टूल्स होते हैं, क्या सामान लेके चलना पड़ता है, उनको कितना किलोमीटर चलना पड़ता है, उसकी जो पूरी फुल डिटेल्स जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। और हमारी अभी जो 23 सितंबर 2023 को यहाँ पर सिहोरा पोस्टिंग हुई, उससे पहले मेरी जबलपुर पोस्टिंग थी, तो ये ट्रांसफ़र हुआ है मेरा सिहोरा किसी कारणवश, तो उसकी वजह से। और कभी हम जो मुझे डेली अप डाउन करना पड़ता है अपनी ड्यूटी के लिए, तो कभी बाय ट्रेन करते हैं, कभी बाय रोड करते हैं। तो अभी कुछ दिन मतलब जब ज़्यादा ट्रेन लेट होती है तो बाय रोड हम अप डाउन कर लेते हैं, और जब ट्रेन अगर टाइम पर मिल जाती है तो हम ट्रेन के द्वारा सफ़र तय कर लेते हैं। फिलहाल अभी जबलपुर से जो सिहोरा स्टेशन के बीच की दूरी है बाय रोड वो 50 किलोमीटर है और बाय ट्रेन 40 किलोमीटर है। तो हम ये एनएस थर्टी के द्वारा हम सफ़र तय करना जो रात के समय में काफ़ी डेंजरस होता है, क्योंकि यहाँ पर NS30 में लाइट वगैरह नहीं है, जिसकी वजह से और जो सामने से जो गाड़ियाँ आती हैं तो उसकी रोशनी की वजह से काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है गाड़ी वगैरह चलाने में, और लाइट ना होने की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस भी करना पड़ता है। आज CTE यानी कि चीफ ट्रैक इंजीनियर का आज सर्वे करेंगे, और उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। और उसके साथ साथ DN डिविजनल इंजीनियर और असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर का आज सर्वे रहेगा। तो ये सतना से लेके और जबलपुर का ये पूरा नाइट पेट्रोलिंग को चेक करेंगे कि मतलब प्रॉपर टाइम पर, मतलब प्रॉपर ड्रेसअप में, प्रॉपर सामान के साथ और पूरा प्रॉपर टाइमिंग के साथ ये पूरा ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आज उनकी चेकिंग रहेगी। तो आज हम ये सिहोरा का टोल नाका के पास एक मोहतरा गेट पड़ता है, मोहतरा गांव पड़ता है, और यहीं से ये जो बाइक जा रही है तो यहीं से हमें 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये कुलिया होते हुए मोहतरा गेट पहुंचना पड़ता है। मोहतरा गेट से ही हमारी ड्यूटी चालू होगी। तो ये हमारा साथ वाला, ये आप देख सकते हैं बाइक लेके जा रहे हैं, तो हमें भी इधर जानी है। तो हम फिलहाल चलते हैं मोहतरा गेट जबलपुर से, और दोस्तों अप डाउन डेली करते हैं। तो हम अभी चित्रकूट एक्सप्रेस से हम आए हैं, तो 9 बजे जबलपुर से छूटती है और ये 10:45 बजे ये सिहोरा पहुँची है। तो फिलहाल हम सिहोरा स्टेशन आ चुके हैं और हम सिहोरा स्टेशन आ चुके हैं और यहाँ से हम मोहतरा एक टोल नाका है, टोल नाके के पास मोहतरा एक गांव पड़ता है, वहाँ पर हमको ड्यूटी के लिए जाना पड़ता है। तो फिलहाल हम जो गाड़ी है ऑफिस में खड़ा किए हैं, अब हम वहाँ से गाड़ी लेंगे और फिर उसके बाद से मोहतरा गेट जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो फिलहाल हम यहाँ पर जो सिहोरा ऑफिस है हमारा, यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर हमारी बाइक रखी है और यहाँ से हम बाइक लेके मोहतरा गेट। हेलो दोस्तों, तो ये हम देख सकते हैं ये CT 100 हम यहाँ पर ऑफिस में रखे हैं और इसी CT 100 से हम जाएंगे मोहतरा गेट, और ये है सिहोरा रोड स्टेशन। ये मोहतरा का ब्रिज है, अंडर ब्रिज है, और यहाँ देख ये गांव है। ये
गांव, मोहतरा गांव है ये, ऐसा अंडर ब्रिज है। और यहाँ से वहाँ तक पहुँचने के लिए ऐसा रास्ता नहीं है, बहुत ही नाली वगैरह बह रहा है, बहुत ही गंदा है। और इसी से गुजरते हुए हमको वहाँ पर गेट तक पहुँचना है। और आप देख सकते हैं कि वहाँ पर लग रहा है कि ट्रेन रुकी है, जिसकी रोशनी यहाँ पर आ रही होगी। और ये हम पहुँच चुके हैं मोहतरा गेट। पहले यहाँ पर गेट था और सरकार के द्वारा अब इसे बंद कर दिया गया है। ये देख सकते हैं, तो यहाँ मोहतरा गेट हम पहुंच चुके हैं। हेलो दोस्तों, ये हम अपने जो गेट है जहाँ से हमारी ड्यूटी चालू होती है, तो आप कुछ अंदर का नज़ारा आप ऐसा देख सकते हैं। तो ये ऐसा अंदर का नज़ारा है, लोहा लंगड़ से भरा हुआ आप देख सकते हैं। तो यहीं पर सारा सामान रखा रहता है, नाइट पेट्रोलिंग का सारा सामान यहीं पर रखा रहता है। और हमने नाइट पेट्रोलिंग का सामान निकाल लिए हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ट्रेन भी निकल गई है। तो दोस्तों अब आ जाते हैं कि क्या क्या सामान। तो ये चार चार्जर हैं, देखते हैं, एक दो और तीन चार, ये चार चार्जर हैं। ये प्रोटेक्शन का है, ये पटाखा है, मतलब सिग्नल पटाखा है, ठीक है। और फिर उसके बाद से तीन टॉर्च है, ये देखिए तीन टॉर्च है। और ये देखिए, ये जो तीन टॉर्च है, ये ग्रीन, वाइट और फिर उसके बाद से रेड। तो इसमें ये ट्राई कलर वाला ये टॉर्च है, ये देख सकते हैं इसमें लिखा ग्रीन है ना, रेड और वाइट। तो ये ट्राई कलर का टॉर्च है। तो ये इस प्रकार से रेलवे से हमें तीन टॉर्च मिलता है। ये जीपीएस है, ये जीपीएस है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये किलोमीटर है 1024 से 1022 तक, यानी 2 किलोमीटर के, यानी कि हमें 3 राउंड मारना पड़ता है, यानी कि 12 किलोमीटर 8 घंटे में टोटल 12 किलोमीटर हमें चलना होता है। ये टाइम भी इसमें लिखा है, रात की 11 से सुबह 7 बजे तक नाइट पेट्रोलिंग करना है। और ये विंटर पेट्रोलिंग का ये जीपीएस है, तो जीपीएस नंबर दिया है 264 दिया है। और ये जो 1 2 3 यानी कि एक नंबर यहाँ पर दबाएंगे, ये देख सकते हैं, तो एक नंबर दबाने पर यह एसएससी को लगता है, 2 नंबर यह यहाँ पर एडीएन को लगेगा और 3 नंबर दबाने पर कंट्रोल को लगेगा। तो ये कॉलिंग का सिस्टम भी दिया है, ये देखिए, तो ये जीपीएस ये चालू हो चुका है। और यहाँ पर ये 3 है, तो इमरजेंसी में ये कॉलिंग सिस्टम है, ये ऑन ऑफ करने का है। तो इस प्रकार से ये जीपीएस आपको पूरा रात भर ट्रैक करता है कि आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, चल रहे हैं, कितने की स्पीड है, सारे इन्फॉर्मेशन से चलने के बाद अगले दिन आपका पूरा डिटेल्स आ जाता है कि आपने कितने किलोमीटर चले, मतलब पूरी डिटेल्स आ जाती है। फिर उसके बाद से हम लोग मतलब थोड़ा सा समय बीच में मिलता है चलने के बाद, तो इस प्रकार से कंबल लिए हैं, मतलब एक चद्दर लिए हैं कि थोड़ा सा ओढ़ के हम बैठने के लिए। यहाँ पर वैसे तो आपको कोई किसी प्रकार सोने वोने की व्यवस्था नहीं रहती है, तो ये थोड़ा सा जो समय मिलता है, मार्जिन मिलता है राउंड में, तो उसके लिए हमने ये चादर ले गए, ये 2 पानी का बॉटल की इमरजेंसी के लिए, कि सवेरे अगर प्रेशर वगैरह बना तो हम इसका यूज कर सके। ये पानी पीने के लिए हो गया, ये झंडी हो गया, तो ये झंडी इसमें 2 लाल रहती हैं, ये 2 लाल झंडी और 1 हरी झंडी रहती है। तो ये झंडी हो गया। और उसके बाद से ये जो हो गया है, ये सेफ्टी जैकेट है, तो ये पहनना पड़ता है क्योंकि ये रिफ्लेक्टर इसमें लगे रहते हैं, तो जब ट्रेन का जो रोशनी रहेगी, टॉर्च की रोशनी रहेगी ट्रेन की, तो इससे रिफ्लेक्ट होकर वो ट्रेन ड्राइवर को मालूम चल जाता है कि यहाँ पर कोई स्टाफ या नाइट पेट्रोलमैन चल रहा है। तो उसके साथ साथ ये बोर्ड होता है, तो ये बोर्ड होता है, तो आप देख सकते हैं ये जो होता है, ये रेल में हेड में कस दिया जाता है। और कसने के बाद यहाँ पर टॉर्च को फंसाया जाता है, जैसे आप देख सकते हैं इसको ऐसे है, ऐसे, तो यहाँ पर ऐसे टॉर्च को फंसा दिया जाता है।
तो इस प्रकार से अगर मान लीजिए कि अगर दिन का समय है तो यहाँ पर आप इसके अंदर ऐसे झंडे, इसके अंदर ऐसे झंडे टांग दिया जाता है। तो अगर दिन का समय है तो इसमें वो उसको रेल में फंसा देंगे नीचे वाले सिरे को, और वो बोल्ट है तो उसे टाइट कर देंगे, और उसके बाद से दिन के समय है तो झंडी इसमें लाल, और सकता है तो ट्रेन को रोकना है तो लाल, और आपको आगे बढ़ाना है तो रोकने के बाद चलाना है तो ये हरी झंडी का प्रयोग करते हैं, और नाइट के समय में है तो ये ट्राइकलर जो टॉर्च है इसका यूज करते हैं। उसके साथ साथ ये पट्टी पाना है तो इसमें 36 नंबर और 41 नंबर का रिंच पाना है, तो इतना बड़ा रिंच पाना होता है। जो नट बोल्ट, जो बोल्ट इसमें जितने भी जॉगल फिश प्लेट और जितने भी होते हैं तो 41 नंबर का ही पाना इसमें काम करता है, और एक छोटा सा हथौड़ी है जो चाबियों भी तोड़ने के लिए या प्लेट को मार के खोलने या कसने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इतने सारे सामान हैं रात में ले कर चलना पड़ता है हम लोगों को। और तो इसमें दो व्यक्ति, अभी एक पेट्रोलमैन मतलब एक सरकारी आदमी रहेगा और एक प्राइवेट आदमी रहेगा। तो हम लोग को 11 बजे जो रिपीटर है यहाँ पर आपको 1024 का जो रिपीटर किलोमीटर है वहाँ पर पहुँच कर इस GPS को ऑन करना पड़ेगा, मतलब ऑन तो है ही है, पहुँचना पड़ेगा और फिर वहाँ से लोकेट कर लेगा कि भैया इतने टाइम पर आप ये व्यक्ति यहाँ पर पहुँच चुका है। और इस प्रकार से वहाँ से फ़ोटो भी इसमें सिस्टम है कि आप वहाँ की फ़ोटो खींच के आप प्रॉपर ड्रेस में है कि नहीं है और उस लोकेशन पर है कि नहीं, कभी कभी GPS अगर गलत बताया तो वो फ़ोटो आपको सेंड भी करना पड़ता है, एक ग्रुप बनना है रेलवे का तो वहाँ पर आपको सेंड करना पड़ता है। तो इस प्रकार से नाइट पेट्रोलिंग हम लोग चालू होते हैं। हाँ, और ये है जैसे क्या होता है कि बोल्ट अगर घूमने लगता है तो इसको ये जो सिला होता है, जो मुड्ढा होता है, उसको इसमें फंसा दिया जाता है कि जिससे कि बोल्ट घूमे ना, एक तरफ पट्टी पाना लगा कर खोले तो ये घूमे ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं कुप्पा बोलते हैं। और हर लोग अलग अलग भाषा में अपने अपने लैंग्वेज में अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, तो फिलहाल अभी मैं इसका नाम जो कुप्पा का यूज़ बोलते हैं, जो बोल्ट को घूमने से रोकने के लिए इसको बनाया जाता है। तो इतने सारे सामान लेके हमको चलना पड़ता है और 11 बजे से चालू होगा। तो ये एक चीज़ छूट गया था, ये विसिल है, जब ट्रेन आपके पास से गुजरेगी तो ये विसिल मार के उनको बताना पड़ता है कि हम ड्यूटी पर अलर्ट हैं। और जैसे कोई अधिकारी लोग इंजन में जा रहे होते हैं तो विसिल बजाने से उनको, जैसे रात के समय में वो नहीं देख पाए तो उनकी नज़र नहीं पड़ पाए, तो ये विसिल मारने से आप अधिकारी लोग को पता चल जाता है कि हाँ आप मतलब नाइट पेट्रोलिंग पे उपस्थित है, अपने समय ड्यूटी कर रहे हैं, प्रॉपर ड्यूटी कर रहे हैं। तो ये वो इंजन में होकर वो चेकिंग करते हैं, तो जिससे कि इसे मारने से उनकी पूरी मालूम चल जाता है अधिकारियों को कि आप ड्यूटी पर सतर्क हैं। तो हेलो दोस्तों, 10 मिनट पहले हमें 1024 पर पहुंचना पड़ता है क्योंकि आधा किलोमीटर का डिस्टेंस है, इसलिए 10 मिनट लगता है वहां तक जाने में। तो वहां पर 1024 पर हमें पहुंच के और GPS ऑन करना पड़ता है, और यहां पर पहुंचने के बाद हमें एक एप्लीकेशन के द्वारा फ़ोटो खींच के हमें सेंड करना पड़ता है ग्रुप में। तो यहां पर फिलहाल ये पवन विश्वकर्मा है, ये पवन विश्वकर्मा है और हम रोहित विश्वकर्मा है, तो दोनों विश्वकर्मा हैं और यही हमारे आज रात भर रहेंगे साथ में नाइट पेट्रोलिंग में। और ऐसा आप देख सकते हैं कि जो सर में जो हेलमेट लगा है इसमें टॉर्च दी गई है, तो ये इमरजेंसी में काम करने के लिए लगा होता है। तो ये दोनों जनों को ये हेलमेट पहन कर ही ड्यूटी करनी पड़ती है, अगर कोई इमरजेंसी होता है तो इसका टॉर्च जला के अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हाथ में अगर ये टॉर्च लेके आप काम नहीं कर पाएंगे इसलिए हेलमेट में टॉर्च दिया जाता है। तो दोस्तों अभी यहाँ पर 11 बजे जाके वहाँ पर हमने फ़ोटो वगैरह खींच के भेज दिया है और वहाँ पर GPS जाके चालू कर लिया है, और उसके बाद से अब ये राउंड जो लगेगा तो वहाँ पर 12 बजे 2 किलोमीटर, मतलब एक घंटे में 2 किलोमीटर हमको चलना पड़ेगा। तो अभी चलेंगे हम 1024 पर हम GPS ऑन किए हैं, अब 1022 पर हम लोग जाएंगे। तो अभी इसको जो 2 किलोमीटर का सफ़र है वो आधे घंटे मतलब 40 मिनट में तय कर लेते हैं, और बाकी जो समय मिलता है तो वो 20 मिनट आराम कर लेते हैं। ये वंदे भारत यहाँ से निकल रही है।
तो हेलो दोस्तों, 11 बज चुके हैं और ये हम ट्रेन जो निकल रही है तो इसको विसिल मार के पास करना पड़ता है और हम अपने चलते हैं बीट की ओर। जो बीट है 1024 से 1022 हमारा बीट है, यानी कि किलोमीटर है। और जो जीपीएस हमें मिलता है तो वो इन्हीं दो, मतलब 1024 से 1022 के बीच के ही इसको रिकॉर्डिंग करता है और जीपीएस शो करता है। तो हम 1024 की तरफ हम आ चुके हैं। अभी 10:57 हो रहा था। यह फ़ोटो इस प्रकार से खींच के सेंड करना पड़ता है, ये जीपीएस वाला फ़ोटो खींच के भेजना पड़ता है, जिसमें आपको टाइम और लोकेशन और टाइमिंग और डेट वगैरह सब इसमें रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग आते हैं जहाँ पर शुरुआत होती है, यहाँ पर मिलके हम लोग फोटो सेशन करके उनको सेंड भी करना पड़ता है और जीपीएस को इस लोकेशन पर मैच करना पड़ता है कि हाँ भैया इस लोकेशन पर हम आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि यूनिट नंबर 9/22 लिखा है और उसके बाद से यहाँ से हम लोग चलेंगे और फिर उसके बाद से 1022 पर पहुँचेंगे। 1022 पर पहुँचते हैं, 2 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद तो ये एक चबूतरा बना रहता है, जो अंडर ब्रिज होता है, अंडर ब्रिज जो पुलिया उलिया रहती है तो इसी प्रकार सीमेंटेड बना रहता है। तो वहाँ पर आके जो एक घंटे में सफ़र तय करना रहता है तो उसको, क्योंकि रेल के पटरी को देखते हुए चलना रहता है, ना कि अंधाधुंध चलना रहता है, तो सारी चीज़ों को चेक करते हुए चलना था, इसलिए इसमें टाइम लगता है। 40 से 45 मिनट में हम लोग पहुँच जाते हैं, 2 किलोमीटर का सफ़र तय कर लेते हैं और यहाँ पर जो समय बचता है तो इसी सरफेस पर हम लोग जाके आराम करते हैं और फिर से उसके बाद से चलना प्रारंभ कर देते हैं। तो सबसे चुनौतीपूर्ण इसमें जो कार्य है वो पहला आता है कि गिट्टी पर चलना। तो ये गिट्टी जो होते हैं बिल्कुल इस पर पैर में मोच आ जाता है, इसमें बहुत सारे बॉन्ड बने रहते हैं, वायरिंग रहती है तो उसमें पैर फंस जाता है, कई बार तो गिर भी जाते हैं और कई बार गिरते गिरते बचते हैं। और इनको जो चलना होता है वो गिट्टी पर, पैर एक जगह नहीं हो पाते हैं तो पैर अनबैलेंस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा अनबैलेंसिंग होती है। और क्योंकि और ये स्लीपर है तो उन्हीं स्लीपरों के पर पैर रख के चलना होता है, तो उसकी वजह से है प्रॉपर जो हमारी स्पीड है जो नॉर्मल। और इसके साथ साथ क्या होता है कि रात में चलना सबसे कठिन कार्य होता है, क्योंकि हमको सिर्फ टॉर्च के सहारे रेल की पटरियों को चेक करना रहता है कि इसमें कहीं ठंड की वजह से इसमें काफ़ी स्ट्रेस रेल में उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से रेल फ्रैक्चर हो जाते हैं, बेल्ट फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो इसको हमको रात भर चेक करना पड़ता है और अच्छे से चेक करना पड़ता है कि कहीं आपको ब्रेकेज, अगर ब्रेकेज आपको मिलता है, रेल फ्रैक्चर होता है, बेल्ट फ्रैक्चर होता है, तो ऑन द स्पॉट जो हमको कुछ जानकारी इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए रहते हैं, जिसको हमको डीटीसी यानी कि ट्रेनिंग सेंटर में इसके बारे में पढ़ाई की जाती है, उसकी अकॉर्डिंग हमको इसको हमको इसकी सुरक्षा करनी होती है। और उसके साथ साथ यहाँ पर हम फिर और साथ में क्या है कि टोटल 20 किलो का सामान भी लेकर चलना पड़ता है, जो दो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पहले तो 40 किलो का सामान लेकर चलते थे, 20-20 किलो, अब तो काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हो गई है तो अभी टोटल 20 किलो का सामान लेकर चलना पड़ता है, जो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। और इसके साथ साथ जो ट्रेन जब आती है तो हमें ट्रेन को बिसिल मार के अपने प्रस्तुति देनी रहती है कि हम लोग अपने लाइन पर अलर्ट है और अपने ही लाइन पर चल रहे हैं, बीट पर चल रहे हैं, तो वो हमें बिसिल मारकर भी अपनी रिपोर्टिंग देनी पड़ती है। साथ में जब ट्रेन आती है तो हमें बिल्कुल जो शेष है उससे नीचे उतरना रहता है। और फिर ऐसे करते हुए रात भर चलने के बावजूद भी जो सबसे लास्ट राउंड होता है, यानी कि 12 किलोमीटर, यानी कि टोटल हमें 12 किलोमीटर चलना पड़ता है, पर 7 बजे का राउंड कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर 10:24 ये हमने फोटो सेंड कर दिया है और 7 बजे सुबह, रात की 11 से सुबह 7 बजे तक ड्यूटी रहती है नाइट पेट्रोलिंग की। और यह हमारा आखिरी राउंड था जो कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद से सीधे हम लोग घर निकलेंगे। और सुबह का, रात का जो वीडियो है उसमें कुछ दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से शूट नहीं कर पाते हैं। तो यह आखिरी राउंड है जिसका हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो यह वीडियो कैसा लगा था प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हाँ तो दोस्तों ये हम अपने लोकेशन पे आ चुके हैं, यहीं से हमने स्टार्ट किए थे और यहाँ पर हम लोग इसको वीडियो पे एंड करते हैं। आप देखिए और सारा सामान आज यहाँ पर रख के और सीधे घर निकलेंगे। और ये अजय भाई है, ये इनकी बीट अलग रहती है। और एक ओपी भाई है, वो कहाँ चले, वो मोड़ लिया चेहरा नहीं दिखा रहा, वो क्या है अपनी पब्लिसिटी नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।